Yo, what's up guys? Welcome back to another episode of Rank Push with Random Players. अब देखो ये चैलेंज काफी ज्यादा हार्ड हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि जितना रैंक पुश मैं कर रहा हूँ और मैं अपना जी और जान लगा दे रहा हूँ मैच को जीतने के लिए, भले ही मैं 1v2, 1v3 निकाल दूं, लेकिन आफ्टर ऑल मुझे मैच हारना पड़ रहा है। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस चैलेंज को मैं कैसे कम्प्लीट करूँ, क्योंकि मेरे पास कैरेक्टर स्किल भी नहीं है, गन स्किन भी नहीं है, जो कि मुझे काफी ज्यादा बैकफुट में फेल रहा है। ऊपर से मुझे रैंडम प्लेयर के साथ खेलना पड़ रहा है जो कि काफी हार्ड है, लेकिन गाइस इसको हम लोग पूरा करने की पूरा कोशिश करेंगे। तो गाइस एपिसोड 3 के अंदर आप सभी को स्वागत है। तो आज का टारगेट आएगा हम लोग कुछ स्टार तक प्लस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा हूँ प्लस करने का, लेकिन फिर भी जाके मेरा माइनस हो रहा है और मुझे काफी ज्यादा दुख हो रहा है इस बात के। तो गाइस वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लेट्स गो, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो मेरा रैंक देखो अभी डायमंड 2 है, तो आज हमें डायमंड 4 तक या फिर डायमंड 3 तक हमें रीच करना है। तो सबसे पहला मैच हम लोगों ने रैंडम के साथ चालू कर दिया और मैंने थोड़ा सा अपने कैरेक्टर स्किल के अंदर चेंजेस किया है, जो कि मुझे एक्स्ट्रा एचपी वगैरह मिलेगा, ठीक है। और गाइस देखो इस सीरीज के अंदर पूरा का मैं रैंडम के साथ ही खेलना पड़ रहा है, बाकी का सीरीज आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना। और इस सीरीज के अंदर मैंने अपने कैरेक्टर स्किल के अंदर क्लू ऐड किया है, ताकि मुझे जहां पे सिंगल बंदा दिख रहा है उसके ऊपर मैं पुश डाल दे रहा हूँ और अकेले को नॉकडाउन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा फाइट वगैरह दे रहा हूँ, लेकिन मुझे पता था कि एक बंदा घूम के आ रहा है और वो अकेला है, मैंने क्लू से देख लिया था, तो मैंने इस पे रश किया और ये देखो इस बंदे को मैंने डाउन कर दिया। तो जो कि क्लू मुझे काफ़ी हेल्प कर रहा है, तो अभी मैं क्लू लेके खेल रहा हूँ एक्टिव स्किल के अंदर, क्योंकि मेरे पास बाकी सारे स्किल वगैरह नहीं है। तो ऐसे मैंने पहले राउंड पे एक नॉक कर दिया, फिर दूसरे राउंड देखो मैंने क्लू लगाया, मुझे पूरा बंदे की लोकेशन पता था कि सारे के सारे लेफ्ट साइड में, तो मैंने ग्रेनेड डाला और थोड़ा बहुत डैमेज दिया, ग्रेनेड से एक नॉक निकाल दिया। और ये देखो ये लोग सामने लड़ने में बिजी है, मैं पीछे से गया इन्हीं के ऊपर पूरा का पूरा सरप्राइज अटैक दे दिया एंड यहाँ पे इसी के साथ 1v3 कर दिया मैंने, तो हम लोग 2-0 मैच हो चुका था, ठीक है। अभी देखो मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया था दो बंदे को, मैंने ले लिया था AWM, तो मैंने एक 150 का शॉट देता हूँ, फिर मैं इस पे रश करता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये बंदा डैमेज होगा और यहाँ पे मेरा गन क्या ही भयंकर रिकॉयल मारता है, लेकिन आफ्टर ऑल मैंने इसको मार देता हूँ। और फिर एक और बंदा यहाँ पे नोटिस होता है, तो एक ऑन का शॉट एंड स्विच करके फटाक से UMP से, तो अब वो राउंड हम लोग ऐसे जीत लेते हैं। फिर इस राउंड में देखना मैं थोड़ा अपना थ्रोएवेल वगैरह का यूज़ करता हूँ, अपने पास भी ग्रेनेड वगैरह रखा करो। फिर मुझे अंदर की तरह ये क्रिमिनल नोटिस होता है, इसको मैंने एक ऑम का शॉट देता, और मुझे पता है ये डैमेज है तो उसको मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैंने एक ग्लो लगा दिया था ताकि पीछे से मुझे ना गोली लगे एंड मैं फिर रश करके इस क्रिमिनल को डाउन करता हूँ, लेकिन भाई किल मेरे टीममेट को आ जाता है, तभी गाइस मेरा टीममेट भी डाउन हो जाता है। एंड देखो किल जब भी करोगे ना, हमेशा ट्राई करो उसको फिनिश करने का, आपके खाते में किल भी आ जाएगा, बाद में रिवाइव भी नहीं हो पाएगा। अब मेरा एक और टीममेट यहाँ पे डाउन हो गया था और सामने दिमित्री लगा के रिवाइव हो रहा था, तो मैंने इसके ऊपर भी रश कर दिया और मुझे पता था ये लो HP होगा, तो मैं ऐसे ही घुस के इसको ले लिया। तो ये सारी चीज़ थोड़ा थोड़ा ख्याल रखा करना। फिर देखो टीममेट को मैं रिवाइव दे देता हूँ, भले ही रैंडम है, अगर आपको मौका मिल रहा तो आप रिवाइव दिया करना। और उसके बाद ये वाला राउंड आप लोगों ने 4-0 से बोया कर लेते काफ़ी आसानी के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखो तो हमारे एक और स्टार हमारे खाते में लग चुका है, काफ़ी कमाल का बात है गाइस। तो इसी तरीके से देखो मैंने वापस से एक और मैच रैंडम प्लेयर के साथ चालू कर दिया है, और चलो इस बार देखते काफ़ी अच्छा अच्छा प्लेयर्स तो आ रहे हैं। तो मैं ले लिया था G18 और मैं अभी वही स्ट्रेटेजी लगा रहा था, मैं यूज़ कर रहा था अपने क्लू, देखो अभी मैं क्लू का यूज़ करूँगा, मुझे दिख रहा था इस साइड में कम बंदा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा होल्ड करके खेल रहा था। और हमेशा रैंडम के साथ ना होल्ड करके खेलो, ओवर एग्रेसिव मत हो जाओ, ज़्यादा रश मत करो, क्योंकि रश करोगे आपको पीछे से कवर नहीं मिलेगा, अपने आप को कवर में रखो और फिर टीममेट के मतलब दूसरे के साथ फाइट लो। और यहाँ पे थोड़ा गलत सीन हो गया था, क्योंकि हमें चारों साइड से पड़ रहा था, लेकिन देखना ये बंदा एक गलती कर देगा, ये बंदा देखना अकेला है और ये हम पे रश कर देते, हम दो बंदे थे। तो यही मैं बोल रहा हूँ, आपको भी इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होगा कि खुद को पहले कवर में रखो फिर जाके फाइट लो, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगा, बंदे को आप ऑफगार्ड पकड़ सकते हो। यहाँ पे देखना एक बंदे को मैं देख लेता हूँ, ये अपने टीममेट को मार रहा था, तो उसको मैंने हेडशॉट को मारता हूँ, लेकिन भाई फिर मैं बॉडी भरना चालू कर देता हूँ एंड लास्ट में जाके एक हेडशॉट से इसका किल ले लेता हूँ। और इस मैच में भी हम लोगों ने 1-0 स्कोर कर दिया था। तो उसके बाद मैंने कुछ खास नहीं करता हूँ, तो इस राउंड में हम लोग हार जाते हैं क्योंकि मेरा हेडशॉट नहीं लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा सेंसी के साथ ऊपर नीचे किया ताकि मेरा हेडशॉट लगने लग जाए। और इस वाले मैच में देखना भाई मुझे यहाँ पे बंदा वाला डैमेज देता है, फिर मैंने यहाँ पे जो HP मिलता है ना उसको जाके फोड़ दिया, तो मुझे HP मिलने लगा,
और मैं थोड़ा थोड़ा करके फाइट कर रहा था ऊपर वाले बंदे के साथ, क्योंकि मेरे पास लॉन्ग रेंज के गन था। और देखना यहाँ पे फिर एक बंदा ना रश कर देता है अपने टीममेट को नॉक करके, तो मैंने इसको एक 98 का हेडशॉट मारा था। तो मैंने सोचा था कि रश कर देते, लेकिन नहीं, देखो ऊपर से कवर दे रहा है, तो उनको पहले डाउन करना सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक बंदे को डाउन करता हूँ, यहाँ पे दूसरे बंदे को भी डाउन लेता हूँ, खाली एक बंदा बचा हुआ रहता है जो बंदा उसको रिवाइव दे रहा था, मतलब जो टीममेट था। लेकिन गाइस देखो मैंने अपना जी जान लगा दी यहाँ पे मैच निकालने के लिए, अपने बंदे लोग तो टीममेट रिवाइव ही नहीं देता, तो मैंने यहाँ पे अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा था, लेकिन उतने में ये बंदा रश कर देता है। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ, हेडशॉट लगे लेकिन बॉडी शॉट लगता है। तो देखो गाइस मैं अगर मर जाऊंगा तो मैच जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है अभी तो, ठीक है। प्लेयर भी उतना कुछ खास नहीं आ रहा है, लेकिन इस मैच में मेरे को ये बंदा हेल्प करता है जिसको मैं रिवाइव किया था। तो मुझे यहाँ पे क्लू से पता लगा था कि एक बंदा पीछे से घूम के आ रहा है, तो मैंने इसको फटाफट से गया, रश किया इसके ऊपर, और अकेला बंदा है तभी जाके मैंने रश किया, क्योंकि मुझे उसका लोकेशन पता है कहाँ से आएगा ना आएगा। जब आपके एनिमी का लोकेशन पता रहेगा ना, तब आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है उसको मारने के लिए। तो हमेशा मतलब थोड़ा छुप के रहो और ट्राई करो सरप्राइज अटैक देने के लिए। यहाँ पे देखना जैसे मुझे सरप्राइज अटैक मिलेगा, मैं इस बंदे को मारने की ट्राई करता हूँ, तभी देखो कहाँ से बंदा निकल के मुझे कितना ज़्यादा डैमेज कर देता है। एंड फिर मैं अपना क्लू ऑन करता हूँ, मैं देखता बंदा कहाँ से आएगा, लेकिन गाइस इसके पास बी जोन था और मेरा एचपी लो था, तो मैं यहाँ पे मर जाता हूँ। तो हमेशा ना ट्राई करो सरप्राइज अटैक देने के एनिमी का, ताकि एनिमी मतलब पागल तरीके से हो जाए और आपको ना मार पाए। तो देखो यहाँ पे अपने टीममेट ने ये वाला राउंड तो जीता देता है, ठीक है। तो हमेशा आपको थोड़ा सा ना पीछे रह के स्ट्रेटेजी आपको लगाना होगा, ज़्यादा रश करोगे तो आपके लिए खतरा भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक बंदे को नॉक करता हूँ, फिर दूसरे बंदे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ, लेकिन ओपोनेंट में क्या होता है ना, ये लोग बहुत गंदा वाला रिवाइव देता है। देखो इसको मैंने नॉक किया, इसको मैंने इन्होंने रिवाइव दे दिया। तो मैंने जैसे यहाँ पे मुझे कोई दूसरी जगह से पड़ा, तो मैंने अपने गुल्ला लगा और मैंने इसको ऊपर रश करने के लिए चाहा, क्योंकि ये बंदा अकेला होगा, वहाँ पे दो था मुझे पता था, तो ये बंदा अकेला के लिए नीचे गिर गया था, और मैं यहाँ से नीचे नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि हमेशा ऐसे नीचे जाऊँगा ना तो सीन हो सकता है। और ये जो टीममेट भाई काफ़ी अच्छा शॉटगन चला रहा था, जो कि मैंने देख लिया था कि भाई ये बंदा काफ़ी हेल्प कर रहा है मुझे शॉटगन से। अब देखना अब बचा हुआ था लास्ट बंदा यहाँ से आ रहा था, इसको मैंने हेडशॉट मारकर डाउन कर दिया। तो यहाँ पे 3-0 राउंड, 3-2 हो चुका है राउंड। और देखो यहाँ पे मैं थोड़ा लॉन्ग से खेलने की ट्राई कर रहा था, क्योंकि ओपोनेंट एकदम सामने गया और काफ़ी अच्छे भी गेम प्ले कर रहे थे ये लोग, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रहा था लॉन्ग रेंज से एक दो नॉक निकाल दूँ, फिर थोड़ा बहुत पुश करेंगे। लेकिन देखो मैं ट्राई करता हूँ हेडशॉट वगैरह मारने के, लेकिन होता ही नहीं है। और हमेशा देखो ट्राई करो कि थोड़ा अपना कवर, परमानेंट कवर रह के खेलो। अब देखना मेरे टीममेट वहाँ से रश कर दिया, ठीक है, देखो इसके साथ क्या हालात होने वाले हैं। ये जैसे रश किया इसको मार दिया भाई, और उसके बाद ये देखो ये बंदा अकेले रश किया। देखो अकेले रश कभी भी नहीं करना है इस तरीके से भाई, तुम अकेले रश करोगे तो तुम्हारा हाल खराब होने ही वाला है। अब देखना यहाँ पे एक और बंदा पता नहीं पेटी लूटने आया था, इसको भी मैंने 154 का हेडशॉट देता हूँ, लेकिन फिर भाई ये बंदा फिर भी बच जाता है। तो यहाँ से देखना भागने लगता है, एंड भाई इसको इतना मैंने ऑलरेडी मार चुका था भाई, तो मैं ऐसे ही मुझे पता था इसे ही मार दूंगा, लेकिन फिर भी पता नहीं इसने अपना एचपी कैसे रिकवर कर लिया था। तो इसी के साथ गाइस ये मैच भी हम लोगों ने जीत लिए थे, और हमारे डायमंड 2 के अंदर पूरा स्टार हो चुका था। तो एक और अगर हम लोग मैच जीतते तो हम लोग पहुँच जाएंगे डायमंड 3 स्टार के अंदर। तो फिर हम लोगों ने एक और रैंडम के साथ मैच चालू कर दिया, और हमें देखो अभी ना मुझे लग रहा है कि अपने लिए एक टीममेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब रैंडम के साथ खेल के उनसे बात करके जो अच्छा खेलेगा उनके साथ मैं रीइनवाइट वगैरह भेजूँ और टीममेट बनाऊँ। आप लोग क्या चाहते हो, ऐसे देखना चाहते हो कि नहीं आप लोग कमेंट करके बताओ, क्योंकि आप लोगों को पता है रैंडम के साथ खेलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और जो कि मैं चैलेंज लिया हूँ तो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो मैंने क्लू लगाया और मुझे पता था राइट साइड में एक बंदा है, तो मैं एक बंदे को कैसे छोड़ सकता हूँ, जहाँ पे भी एक बंदा दिखेगा भाई चढ़ गया मैंने दोनों मिलके हम दोनों। तो इसको मैंने हम लोगों ने डाउन कर दिया, पहला नॉक हम लोगों ने निकाल दिया था। अब फिर देखना हम लोग हमारे दूसरा टाइम क्या होता है, यहाँ पे अपने टीममेट भाई अलग ही अकेले अकेले जाके बंदे पे फाइट ले रहा है, और ये लोग डाउन हो रहा था। तो यहाँ पे एक बंदा था मैं जिसको मैंने काफ़ी ज़्यादा भयंकर सा डैमेज दी, एंड फिर मैं नीचे भी कवर देने की कोशिश कर रहा था अपने टीममेट को जितना हो सके कवर प्रोवाइड करवाए। तो यहाँ पे बंदा था, देखो मैंने वापस से 93 का हेडशॉट दी एंड इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया, और इसके पास था कटाना, तो ये मेरे पे रश कर रहा था। मुझे पता था इसके पास गन नहीं है, अगर मैं इस टाइम पर रश करूँगा तो ये मार जाएगा, तो मेरा भी थोड़ा स्पीड लो था, मैंने थोड़ा बहुत स्पीड इंक्रीज़ किया
एंड भाई इस पर रश किया, लेकिन भाई मैं नीचे गिर गया, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा बैकफायर था, लेकिन कोई बात नहीं। खाली एक बंदा था और हम तीन बंदे थे, तो इसको तो ऐसे ही मार देंगे, हम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस होता। तो मैं ऐसे ही ऊपर देख रहा था और मुझे दिख गया था ये बंदा ऊपर है, तो मैंने फटाफट से इसको रश किया और भाई हेडशॉट मार के इसको फिनिश कर दिया। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि रैंडम जो भी बंदा अच्छा खेलते हैं ना, उनको मैं रिक्वेस्ट वगैरह भेज के उनके साथ खेलना चाहता हूँ, ठीक है। और ये वाला राउंड में भाई बहुत ही ज़्यादा गलती करता हूँ मैं। मेरे पास रहता है पैराफल और मैं क्लोज में रश कर देता हूँ, लेकिन भाई अपने टीममेट जैसे तैसे करके ये मैच जिता देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वाले में देखना, यहाँ पे मुझे पता चल गया था क्लू लगा कि यहाँ पे खाली एक बंदा है, तो मैं इसके ऊपर रश कर सकता हूँ, और मेरा टीममेट वहाँ पर अलग ही लग रहा है। तो मैंने इसके ऊपर रश किया और इस बंदे को एकदम हेडशॉट मार के डाउन कर दिया। तो इसको मैंने एकदम फिनिश कर दी। यहाँ पे देखना मैं क्या ही 1v3 निकाल दूंगा, मुझे जहाँ पे बंदा दिखेगा। फिर यहाँ पे एक और बंदा था, इसको मैंने बहुत ज़्यादा बॉडी बॉडी मारा, लेकिन किल चोरी हो गया। फिर लास्ट बंदे को उसको पॉन करके, भाई बीजॉन काफ़ी अच्छा गन है, लेकिन इससे मुझे हेडशॉट कम लगता है, बॉडी शॉट काफ़ी अच्छा डैमेज देता है। अब देखना ये वाला राउंड में मैं तो मर गया था, लेकिन मेरे टीममेट जैसे तैसे करके जिता देता है। एंड इसी के साथ हम लोगों ने लगातार बैक टू बैक, भाई अपने को स्टिक लग गया था, भाई देखो यहाँ पे स्टिक भी लग जाएगा। हमारे डायमंड 3 रैंक हो चुका है और एक स्टार भी मिल चुका है, और हमें वो 2 स्टार मिला है प्लस पॉइंट के लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे स्टिक भी कंप्लीट हो चुका था। और गाइस हम लोगों ने इसके बाद काफ़ी सारे मैचेस खेले और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने एकदम भयंकर तरीके से प्लस किया, आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग एकदम हीरो मतलब डायमंड 4 में पहुंचने वाले हैं, उसके बाद हम लोग हीरोइक पे भी आ जाएंगे। और ये पूरा हम लोगों ने गोल्ड से चालू किया था और रैंडम के साथ खेल खेल के हम लोग हीरोइक पे पहुंचने वाले हैं। इसके बाद हम लोग को इलाइट मस्टर्ड टारगेट है, मतलब इलाइट मस्टर्ड पे रीच करने का। तो गाइस अभी आप लोग बताओ कि मुझे इसके अंदर टीममेट को लेना चाहिए कि नहीं, मतलब टीममेट इन द सेंस ऐसे मैं रैंडम के साथ खेलूंगा, जो अच्छा खेलेगा उनको मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह भेजूंगा एंड उनके साथ फिर मैं टीम अप करके खेलूंगा, ठीक है। तो कैसा लगा भाई वीडियो आप लोग कमेंट करके बताओ, वीडियो को यहाँ तक रखो, उम्मीद करके आप लोगों को पसंद आओगा, पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, बाय बाय।